वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइटिंग इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ मार्वल के आने वाले मूवीज़ के बारे में, और मूवी से रिलेटेड है हमारा गेम। तो गेम में क्या चेंजेस आएंगे और कौन कौन से कैरेक्टर के साथ क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या अपग्रेड आ सकते हैं, तो वो इसी वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम पास के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि वांडा और विजन का यहाँ पर उनका आने वाला है, और टीवी सीरीज़ है या फिर मूवी है वो तो पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से टीवी सीरीज़ होगा या डिज्नी प्लस का शो है शायद, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। तो उसकी तैयारी चल रही है और जल्दी वो आएगी। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से विजन का नया अपग्रेड मिलेगा, वांडा को TA3 यानी स्कारलेट विच को TA3 मिलेगा। उसके चांसेस है, गेम में आने के चांसेस है, क्योंकि उसने थानोस को बहुत टक्कर दी थी एंड गेम में। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर दो इंटरनल्स। अब इंटरनल्स में कोको से नए नए कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे पता नहीं, लेकिन गेम में आने के चांसेस है, आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। और मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स होंगे वो पेड होने वाले हैं इंटरनल्स में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद में फाल्कन एंड विंटर सोल्ड बकी, तो यहाँ पर दोनों का ये आने वाला है शो ही है। तो दोनों का यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों का अपग्रेड आएगा, एक यूनिफॉर्म आ सकता है या फिर दोनों का TA3 हो भी सकता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है दोनों को 70 मिलेगा और दोनों को एक अच्छा सा यूनिफॉर्म मिलेगा, हो सकता है नहीं भी मिले क्योंकि बकी के पास एक इन्फिनिटी वॉर वाला अच्छा खासा यूनिफॉर्म है। लेकिन इस शो जब रिलीज़ होगा तो मुझे लगता है कि इनको देना चाहिए अपग्रेड, क्योंकि गेम डेवलपर्स के पास मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर वो गेम के अंदर अपडेट लाए, या कोई भी उनके पास ऐसा टॉपिक नहीं है। तो बचा कुचा यही है मार्वल के, यही एक सीरीज़ या शो बोल सकते हो जिनके ज़रिए वो गेम में कुछ नए कैरेक्टर्स को ला सकते हैं या फिर कुछ अपग्रेड दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न या शो जब भी ये रिलीज़ होगा तब गेम में कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकी। अब यहाँ पर लोकी का अलग ही तरीके से एक फैन थ्योरी चल रही है, यानी लोकी का कौन सा वाला शो में एग्जैक्टली क्या दिखाएगा, मतलब शो में क्या होगा, मतलब उसके जो टाइमलाइन है वो कौन सी टाइमलाइन होगी जिसमें लोकी भाग गया था वाली टाइमलाइन, या फिर कौन सी टाइमलाइन होगी, ये एग्जैक्टली अभी डिस्कस नहीं है लेकिन फैन थ्योरी चल रही है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है लोकी का भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और लोकी के साथ साथ कौन कौन होगा उस शो में या सीरीज़ में हो सकते हो तो पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर जो जो कैरेक्टर होंगे तब तक हमें अपडेट देखने को मिलेगा, और हो भी सकता है कि लोकी को TA3 मिल जाए, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, मार्वल वाले के हाथ में सब। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे खतरनाक और सबसे ढांसू और सबसे अट्रैक्टिव यही एक बचा हुआ है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर है डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स एंड माइंड नेस। तो यहाँ पर इस वाले को ये जो मार्वल का ये जो मूवी है, ये मूवी में यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का है, साथ में यहाँ पर स्कारलेट विच का यहाँ पर लेना देना कई सारे प्लेयर्स ने मुझे कहा कि इसमें स्कारलेट विच भी है, और कई सारे मैंने देखा भी कमेंट्स भी कि स्कारलेट विच भी इसके अंदर है। तो मुझे एक लग रहा है कि माइंडनेस का इससे क्या लेना देना, मतलब स्कारलेट विच को इसमें क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, एक तो नया एवेंजर्स या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं बोलना मतलब ऐसा है कि स्कारलेट विच को ले रहे हैं इसका मतलब माइंड का खेल होने वाला है। दूसरी एक चीज़, डॉक्टर स्ट्रेंज है इसका मतलब डार्क डिमेंशन और डिमेंशन डोरमामू जैसे बड़े बड़े खतरे वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का हमें बहुत ही बड़ा वाला धांसू तरीके से अपग्रेड देखने को मिल सकता है। और रही बात TA3 की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को TA3 मिल चुका है, तो हमें इतना लंबा समा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहे तो अभी TA3 कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मटेरियल का टेंशन है। तो यहाँ पर वांडा भी आएगी, तो वांडा के साथ हो सकता है कि जब आएगी तब उसे TA3 दिया जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम पे, या फिर दूसरा कोई ऑप्शन होगा तो वो भी गेम डेवलपर्स दे सकते हैं। अब देखते हैं गेम के अंदर क्या होता है जब ये मूवी आएगी तब। उसके बाद में नेक्स्ट शैंगची। अब ये शैंगची का यहाँ पर मुझे लगता है कि शैंगची को TA3 मिलेगा जब ये आएगा तब, और शैंगची के साथ साथ कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे वो भी हमें पता चल जाएगा जब शैंगची का ये आएगा तब। उसके बाद में हॉकाई। अब हॉकाई का रहा ये, अब मैंने सोचा नहीं था कि हॉकाई का ये वाला आएगा, अब आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा निकाल लेता आइडिया।
अब हॉकाई के साथ क्या होगा, हॉकाई को एक रूनिन वाला यूनिफॉर्म दे दिया गया है, लेकिन हॉकाई प्लस ब्लैक विडो दोनों को साथ में कंबाइन करना चाहिए था, तो यहाँ पर हॉकाई के लिए अलग से है और ब्लैक विडो के अलग से है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हॉकाई के लिए शायद हो सकता है एक अच्छा अपग्रेड यूनिफॉर्म देखने को मिल जाए, या फिर 70 तो ऑलरेडी है उसके पास, और हो सकता है कि T3 दे दे गेम डेवलपर्स, पता नहीं है, लेकिन उनके हाथ में अभी हम लोग कुछ बोले तो शायद हो सकता है कुछ हमें देखने को मिल जाए। उसके बाद में यहाँ पर है ब्लैक विडो, अब ब्लैक विडो की मूवी आ रही है और ब्लैक विडो के साथ साथ और कौन कौन से अपग्रेड हो गए गेम के अंदर मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश रहेंगी कि हम लोग ब्लैक विडो के साथ अच्छा खासा एक जस्टिस करवा दे और अच्छे स्किल्स और अच्छा डैमेज होना चाहिए जब अपग्रेड आएगा तब। उसके बाद में नेक्स्ट है थॉर 4, जिसके अंदर लिखा हुआ है थॉर लव एंड थंडर। अब ये चक्कर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, अगर ये ऐसे लव एंड थंडर के चक्कर में इसको घसीट दिया जाए थॉर 4 को, तो स्टोरी काफ़ी घसी पिटी होगी और बहुत ही ज़्यादा बेकार होगी, क्योंकि बहुत हम लोग थक गए यार, मतलब एक ही स्टोरी को रिपीट कर करके। तो यहाँ पर ये लव व फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्शन धांसू और कमाल का एक धांसू विलन जिसके साथ में होगा थॉर, वो हमें चाहिए, ऐसी स्टोरी मिलेगी तो चलेगी, वरना अदरवाइज ऐसी स्टोरी का कोई मतलब नहीं है मार्वल में। और मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं टैका वाइटिटी, जिसने थॉर 3 को डायरेक्ट किया था, तो वही वाले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मूवी में कोई भी शिकायत वाली होगी नहीं, लेकिन फिर भी एक डाउट है कि अगर हुआ तो क्या होगा, और थॉर के साथ उसके जो T3 है उसको जस्टिस मिलेगा कि नहीं, वो भी इस मूवी के साथ पता चलेगा, लेकिन ये कब आएगी मैंने वो डेट नहीं देखा है, तो बाद में देखता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलते तो बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इफ़। अब इसमें कई सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ एनिमेटेड सीरीज़ या कुछ और तरीके से जो मार्वल के जो कैरेक्टर्स है, जैसे जो एक्टर्स है, वो उनको वॉइस डबिंग वगैरह आवाज़ देने वाले हैं, तो वो इसमें होने वाला है, तो देखते हैं अभी क्या होता है और आगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।